नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष पटले आप सभी का अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों एक बार फिर हाजिर हूं एक नए वीडियो के साथ और एक नई गुड न्यूज लेकर। दोस्तों आज की न्यूज है बोनस के संदर्भ में, दिवाली जो कि आने वाली है और आप सभी के लिए गुड न्यूज है। दिवाली का बोनस जो है जाहिर हो चुका है और वो अभी सभी को मिलने वाला है। यहाँ तक कि बाकी बहुत सारे कर्मचारी है उन्हें तो एक महीने का पूरा बोनस यहाँ पे जो पेमेंट है वो बोनस के रूप में मिलने वाला है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम यहाँ पे यही देखने वाले हैं कि किस कर्मचारी को कितना बोनस मिलने वाला है। तो आप सभी को बता दूं कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक तो सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, और वीडियो पसंद आ जाता है तो वीडियो को एक लाइक करना ना भूलेगा। तो चलिए आगे की माहिती देखते हैं। तो दोस्तों आप सभी को पता है कि अभी जो बोनस था, बोनस की मांग हमारे जो समन्वय समिति है इन्होंने 25,000 की थी, लेकिन बाद में ये मामला यहाँ पे सेटलमेंट नहीं हुआ और माननीय मुख्यमंत्री जी के पास चला गया और वहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पे सभी कर्मचारियों को 22,500 रुपये बोनस देने का निर्णय लिया है। दोस्तों इसका बहुत ही जल्दी परिपत्रक आ जाएगा और परिपत्रक आने के बाद दिवाली के पहले पहले सभी के अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे सवाल ये आ रहा है, बहुत सारे लोग पूछ रहे कि बाकी किसको कितना पेमेंट आने वाला है, ऐसे कौन से कर्मचारी है जिन्हें एक महीने का पूरा पेमेंट आने वाला है, और साथ में जो माध्यमिक शिक्षक है या शिक्षण सेवक है ऐसे कर्मचारियों को कितना बोनस आने की उम्मीद है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूं, और इस वीडियो को मैं ज़्यादा लंबा नहीं लेके जाना चाहता हूँ, इसलिए मैं शॉर्टकट में आपको बताना चाहता हूँ कि जो भी शिक्षक है या जो मुंबई महानगर पालिका के जो कार्यरत कर्मचारी है उन सभी को 22,500 रुपये मिलने वाला है। लेकिन जो आरोग्य सेविका है जिन्हें पेमेंट बहुत कम है तो ऐसे कर्मचारियों को 9,000 रुपये बोनस के रूप में मिला है, जो कि उनका महीने का जो पेमेंट होता है वो यहाँ पे उनको मिलने वाला है, जो यानी एक महीने की जो पेमेंट मिलने वाली है वो है आरोग्य सेविका की और वो उनका बोनस के रूप में मिलने वाला है। उसी के साथ में दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग की जो पहले माध्यमिक कर्मचारी थे, माध्यमिक के जो शिक्षक है उन्हें गए साल 10,000 रुपये मिला था, यानी जो बाकी कर्मचारी है उन्हें 20,000 मिला था, लेकिन इस बार 22,500 है तो उसका आधा 50% माध्यमिक कर्मचारियों को मिलेगा। उसी के साथ दोस्तों जो हमारे शिक्षण सेवक है, जो प्राइमरी के शिक्षण सेवक है उन्हें 4,000 रुपये मिलता है, और जो माध्यमिक के शिक्षक है उन्हें सेम उसके आधा 50% यानी कि उनका 2,000 रुपये उनको बोनस के रूप में मिलता है। तो दोस्तों ये इस बार भी वैसे ही मिलने वाला है। तो आप सभी को जो बोनस है आपका दिवाली के पहले पहले आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आप सभी के लिए उपयोगी होगी। तो आप सभी से छोटी सी और गुजारिश है मेरी कि आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हो सके तो इसको शेयर जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं ऐसी किसी जानकारी के साथ, ऐसी किसी नए वीडियो के साथ। बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।